नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए 5 यूजफुल एंड्रॉइड एप्स लेकर आया हूं, जो आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। हमारा पहले ऐप एक एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म ऐप है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप का यूज उस समय आ सकता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो और एयरपोर्ट, रेल या कोई पब्लिक प्लेसेस में चार्जिंग स्टेशन में फोन को चार्ज कर रहे हो, और उस समय आपको बिना नजर हटाए फोन को देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्जर फोन से डिस्कनेक्ट या फोन को मूव करने पर अलार्म बज जाता है। YouTube में ऐसा वीडियोस देखा ही होगा कि रेस्टोरेंट में डाइन कर रहे डिस्ट्रैक्टेड लोगों का फोन चोर कैसे चुपके से उठा लेता है, और ये ऐप यूज कर रहे हो तो अलार्म बजने के कारण आपका फोन चोरी होने से बच जाएगा। और ये अलार्म स्टॉप दबाने पर या फोन का वॉल्यूम बटन या पावर बटन दबाने पर भी बंद नहीं होता है, जिसके वजह से चोर अलार्म को बंद कर नहीं पाएगा। और सिर्फ पिन डालने पर ही बंद हो जाता है। पिन कोड सेटअप करने के लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ से आप पिन कोड सेटअप कर सकते हो। यहाँ सेटिंग से आप चार्जर डिस्कनेक्ट अलार्म और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन भी आप ऑन कर सकते हो। सेटिंग्स में आपको कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ से आप अलार्म का रिंगटोन चेंज कर पाओगे और अलार्म बजते समय ब्लिंकिंग फ्लैश लाइट को भी ऑन कर पाओगे, और अलार्म डिले ऑप्शन भी मिलेगा, जहाँ से आप अलार्म डिले भी सेटअप कर पाओगे। ये एक बढ़िया एंटी थेफ्ट फोन सिक्योरिटी अलार्म ऐप है, जो आपका फोन को चोरी होने से बचा सकता है। हमारा लिस्ट का दूसरा ऐप है हाइड्यू। ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और ये ऐप का आइकॉन एक कैलकुलेटर की तरह दिखता है, और ये कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है। लेकिन इसका मज़ेदार हिडन फीचर आपको इसका पिन डालने पर अनलॉक हो जाता है। 4-डिजिट पिन डाल के इक्वल एंटर करने पर ये फीचर अनलॉक हो जाता है। अनलॉक होने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप फोटोज, वीडियोज, फाइल्स हाइड कर सकते हो। फोटोज, वीडियोस को हाइड करने के बाद सिर्फ इस ऐप के द्वारा ही आपको इसे एक्सेस कर पाओगे, और वो फोटोज और वीडियोस किसी को भी नहीं दिखेगा। यहाँ से आप प्राइवेट ब्राउजर एक्सेस कर सकोगे, जो आपका ब्राउजिंग डाटा को प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ से कैमरा एक्सेस करके फोटो लेने पर सीधा इधर ही स्टोर हो जाता है, जिसको कोई देख नहीं पाएगा। इसका और एक फीचर जो मुझे अच्छा लगा वो है इसका ऐप लॉक फीचर, जिसके द्वारा आप ऐप को लॉक कर सकते हो और पासवर्ड और पैटर्न डालने पर ही ऐप को यूज कर पाओगे। ये एक बेहतरीन ऐप है, जो एक कैलकुलेटर की तरह दिखता है और कैलकुलेटर का काम भी करता है, लेकिन इसके द्वारा आप फोटोज, वीडियोस, फाइल को हाइड कर पाओगे और प्राइवेट ब्राउजर एक्सेस कर पाओगे और ऐप्स को लॉक कर पाओगे। हमारा लिस्ट का तीसरा ऐप है गाउट मैथ। ये ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। इस ऐप को यूज करने के बाद मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ, क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम्स को ही नहीं लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। यहाँ मैं आपको क्लास 10 मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐप का कैमरा से आपको क्वेश्चन का फोटो लेना पड़ेगा। और ऐप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दिखाएगा। ये ऐप स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल ऐप है। हमारा लिस्ट का फोर्थ ऐप है कलराइज, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को कलर कर देता है, और इस ऐप को यूज करने के बाद मैं हाईली आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली फोटो को एनहेंस करके बेहतरीन कलर कर दिया। तो आइए खुद ही आप देख लीजिएगा कि कैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिसमें दिलीप कुमार
और वैजयंती माला है, इस ऐप कैसे कलर भर देता है। तो ये कलराइज्ड फोटो पता नहीं आपको कैसे लगा, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आया। और ये ऐप आपका या आपका पेरेंट्स या दादा दादी का फोटो में जान भर देगा। हमारा लिस्ट का फिफ्थ ऐप है माई हेरिटेज। इस ऐप भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकोगे। इस ऐप के द्वारा आप आपका फैमिली ट्री क्रिएट कर सकोगे। लेकिन मुझे जो फीचर इसका अच्छा लगा वो है डीप नॉस्टैल्जिया, जिसके द्वारा आपका फोटोज़ में जान डाल देगा। इस फीचर का यूज़ हम आइंस्टाइन का फोटो में करेंगे। फोटोज़ को सेलेक्ट करके एनिमेट दबाने पे आप खुद ही देख पाओगे कि फ़ोटो कैसे लाइव हो जाता है। वाकई में ये एक ज़बरदस्त ऐप है, जिसको यूज़ करके आप मेमोरीज़ को लाइव कर पाओगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और यदि आपको कोई एक भी ऐप यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।